नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 3 राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 1। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और निर्दलियों का गठबंधन 4 में से 3 राज्यसभा सीटें जीत सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कभी भी चुनाव कराए जाने की संभावना है। बीजेपी 29 विधायकों के साथ भी 1 सीट पर सुरक्षित रहेगी। हालांकि अगर राज्यसभा चुनाव से पहले 5 विधायकों को मनोनीत किया जाता है तो इसकी ताकत 34 तक बढ़ सकती है। गठबंधन को पहले से ही 55 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये 3 राज्यसभा सीटें जीतने में सक्षम होगी, जबकि 34 विधायकों वाली बीजेपी अपने दम पर 1 सीट सुरक्षित रूप से जीत सकती है। 29 विधायकों के साथ भी ये 4 सीटों में से 1 सीट जीत सकती है। 2019 में 54 सीटों पीडीपी 28 और बीजेपी 26 वाले पीडीपी बीजेपी गठबंधन ने 3 सीटें 2 पीडीपी और 1 बीजेपी जीती थी, जबकि चौथी सीट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को मिली थी, जो उस समय कांग्रेस के साथ थे और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जिनके पास 27 विधायक, एनसी 15 और कांग्रेस 12 थे। छोटे दलों और निर्दलियों के 4 विधायकों ने आजाद का समर्थन किया था। अजीत की परंपराओं के अनुसार चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 अधिसूचनाएं जारी की। एक चुनाव 2 सीटों के लिए होता है, जबकि 2 अलग अलग चुनाव एक एक सीट के लिए होते हैं। यदि इसी तरह की परंपरा का पालन किया जाता है तो 2 सीटें जिन पर अलग अलग चुनाव होंगे वो सत्तारूढ़ गठबंधन को मिलेंगी, जिसके पास पहले से ही 55 विधायक हैं, जबकि 2 सीटें जिन पर 1 चुनाव होगा वो एनसी के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा के बीच समान रूप से विभाजित होंगी। चूंकि जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटें पिछले 3.5 साल से खाली हैं, इसलिए चुनाव आयोग विधायकों के शपथ समारोह के तुरंत बाद चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, जिससे वो अपना वोट डालने के योग्य हो जाएंगे। संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यसभा चुनाव होने से पहले उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 विधायकों के नामांकन की सिफारिश कर सकता है, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होगा कि भाजपा कम से कम 1 राज्यसभा सीट पर सुरक्षित है। ऐसी खबरें थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, वो पार्टी राज्यसभा चुनाव की 1 सीट पर मैदान में उतर सकते हैं। एनसी के पास अपने 42 विधायक हैं, जबकि आपके 1 विधायक और जम्मू संभाग के 5 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही एनसी को समर्थन दे दिया है, जिससे पार्टी का आंकड़ा 48 हो गया है। सीपीएम विधायक एमवाई तारिगामी भी गठबंधन के साथ हैं, जबकि कांग्रेस के 6 विधायक हैं। गठबंधन के पास कुल 55 विधायक हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है ये देखा जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व कांग्रेस के लिए 1 राज्यसभा सीट छोड़ेगा या नहीं, जिसके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के 48 के मुकाबले सिर्फ 6 विधायक हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए पिछला चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था, जबकि तत्कालीन भाजपा पीडीपी गठबंधन ने 3 सीटें और एनसी कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। भाजपा के चंद्रमोहन शर्मा चुनाव हार गए थे। जम्मू कश्मीर से इन 4 राज्यसभा सदस्यों ने फरवरी 2021 में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। तब से विधानसभा की अनुपस्थिति में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से कोई निर्वाचित सांसद नहीं रहा है। 2015 में पीडीपी के 28, भाजपा के 26, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, कांग्रेस के 12, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 और सीपीएम और एआईपी के 1-1 विधायक थे, बाकी निर्दलीय थे। अप्रैल 2094 से अक्टूबर 2096 तक भी राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि अक्टूबर 1996 में विधानसभा चुनाव और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सरकार बनाने के बाद नवंबर 1996 में डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज और शरीफुद्दीन शरीक जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए। नवंबर 1996 से फरवरी 2021 तक जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में बिना किसी रुकावट के प्रतिनिधित्व रहा। हालांकि 2015 में ये पहली बार था कि भाजपा ने जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा सीट जीती।